श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का दिन है सोमवार। जी हाँ, सोमवार 9 सितंबर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही विशेष दिन, क्योंकि हर सोमवार जो होता है वो भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन माना गया है। बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र दिन है दोस्तों। सोमवार के दिन 9 सितंबर को अगर आपके भी जीवन में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ विशेष हैं जो बहुत कोशिश करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है, मित्रों, अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी है, क्योंकि विशेष इच्छाएं सभी की होती हैं, पर आपने बहुत सारे उपाय, बहुत सारे पूजन कर लिए हैं, महादेव की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके उपाय पूरे होने के बाद भी आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही हैं, आपकी इच्छाएं अधूरी रह जा रही हैं, कहीं कुछ अटक जाता है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए दोस्तों। इस वीडियो में मैं पंडित प्रदीप मिश्रा यानी कि पूज्य गुरु जी के कथाओं को सुनकर छोटे छोटे से उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आपने किसी भी एक उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ इसको कर लिया, तो महादेव आपकी सारी इच्छाएं, सारी विशेष जरूर पूर्ण करेंगे दोस्तों। तो अभी जो है वो बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। 9 अगस्त को आपको करना है एक बहुत छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सरल सा उपाय है मित्रों, जो कोई भी कर सकता है। आपके घर की महिलाएं हों, बच्चे हों, कोई भी हो, बहुत सरल से उपाय को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने लेना है सबसे पहले दूर्वा। कितनी लेनी है दूर्वा? हरी दूर्वा लेनी है या सफेद दूर्वा लेनी है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों। सफेद दूर्वा, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी कि सफेद दूर्वा क्या होती है, कैसे होती है, तो थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई पत्थर रखा होता है, कोई ईंट वगैरह रखा होता है, उसके आसपास से जो दूर्वा निकलती है, तो उसका जो रंग होता है, उसका जो कलर होता है, वो एकदम डार्क ग्रीन नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली अपना कलर बदल के थोड़ा सा पीली या थोड़ी सी सफेद हो जाती है दोस्तों। ये जो है ज्यादातर आपको गर्मी के मौसम में देखने को मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं सफेद दूर्वा। इसका भी एक विशेष महत्व, विशेष प्रयोग होता है दोस्तों, लेकिन आज के उपाय में आपको सिर्फ और सिर्फ हरी दूर्वा लेनी है। और कितनी लेनी है? सिर्फ 3 दूर्वा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 3 दूर्वा आपको लेनी है। साथ ही साथ लेना है हमें यहाँ पर पीला चंदन, अष्टगंध जिसको आप कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। अपने घर से तांबे के पात्र में ले लीजिएगा जल दोस्तों, और अगर आपके पास में इत्र है तो इत्र की आप 1 या 2 बूंद उसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। भगवान को इत्र समर्पित किया जाता है। और अगर किसी के पास इत्र नहीं है मित्रों, तो आप अपने जल में गुलाब जल भी मिला सकते हैं, या सबसे आसान उपाय जो है वो गुलाब की कुछ पंखुड़ियां आप अपने जल में मिला लीजिए, आपका जल जो है वो अपने आप ही महकने लगेगा। तो क्या लेना है दोस्तों? आपने लेनी है दूर्वा, 3 दूर्वा, साथ ही साथ पीला चंदन, अपने घर से लेकर के जाना है तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, और उसमें मिलानी है आपको इत्र या गुलाब की कुछ पंखुड़ियां। इत्र की 1 या 2 बूंद इनफ है। उसके बाद दोस्तों, एक बहुत जरूरी चीज है जो आपको लेनी है, वो लेना है हरा मूंग। जी हाँ दोस्तों, हरे मूंग के कुछ दाने लेने हैं। आप अगर चाहें तो गिनती से उनको 21 दाने ले सकते हैं। तो आपने लेने हैं 21 दाने हरे मूंग के, और ये सब कुछ लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के समक्ष, यानी कि महादेव जहां पर स्थापित हैं उस मंदिर में आपको ये सब लेकर के पहुंच जाना है दोस्तों। तो करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो हमारे पास पीला चंदन है मित्रों, उस पीला चंदन का लेपन आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना है, बहुत अच्छे से करना है, पूरे ऊपर की तरफ शिवलिंग में आपको अच्छे से लेपन कर देना है। उसके बाद जो 3 दूर्वा आपने लिए मित्रों, वो 3 दूर्वा आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करनी है, और जो जल है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो जल है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। तो कहाँ करेंगे ये बताती हूँ मैं। जो माता का हस्त कमल होता है, जिसे हम कटी भाग भी कहते हैं मित्रों, तो कटी भाग के चारों तरफ आपको गोल 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 अपने उस तांबे के पात्र के जल को समर्पित कर देना है, और अंत में आपके पास बचता है हरा मूंग। तो हरा मूंग दोस्तों आपने कहाँ समर्पित करना है?
जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है, उस स्थान पर आपने हरे मूंग के दानों को समर्पित करते हुए महादेव से अपनी इच्छा, मनोकामना, विशेष जो भी है वह आपको सब कह देनी है। बहुत ही सरल सा उपाय है दोस्तों, छोटा सा उपाय। अगर आप ऐसा कर लेते हैं किसी भी सोमवार के दिन, यकीन मानिए जो भी आपकी इच्छा, जो भी विशेष जो अधूरी रह जा रही थी, किसी भी अड़चन की वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा था, आपकी विशेष जो है वो बहुत टाइम से अधूरी पड़ी थी, तो वो आपकी विशेष जरूर पूरी होंगी। स्वयं महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर, वीडियो के माध्यम से जो छोटे छोटे से उपाय मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, यह जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि जानकारी उन तक भी पहुंचे। आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिलते रहे। मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय गणेश।